स्क्रीन पे देख रहे होंगे तस्वीरें एक दो आएंगी। तो ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कल की निस्बत आज गर्मी कम है। कल तो इतनी गर्मी थी ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत गर्मी थी। आज से दो दिन पहले इतनी गर्मी थी ना, होए 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 होए, लेवल की एंड लेवल की गर्मी थी। अभी इस वक्त मैं पार्क है घर के पास में, वहाँ पे आया हुआ। एक काम निकला था बाहर, में मैंने सोचा कि इधर थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ फिर जाऊँ। आप में से कई लोग कहेंगे कि इसको क्या पड़ी रहती है हर वक्त पार्कों में फिरता रहता है। तो वजह यह है कि नेचर जो है ना, नेचर की वजह से ही है कि दरख्त वगैरह होते हैं ना तो खुली सांस आती है यहाँ पे आके, और कोई वजह नहीं है। पूरी सिटी में गर्द आलूद हर जगह पे पोल्यूशन है, तो इन जगहों पे आओ ना थोड़ा सा ये होता है कि खुली सांस आ जाती है। गुलाब के फूल जिधर भी हो ना तो कमाल ही लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ें हैं जो नेचर के बिल्कुल क्लोज बंदा जाता है ना, इन्हीं चीज़ों की वजह से जाता है, अट्रैक्शन पैदा होती है। ये बड़े ख़तरनाक है, ये बड़ा ही ख़तरनाक है यार। एक दफ़ा क्या हुआ, एक दफ़ा ना मुझे ये हाथ पे लड़ गया था आगे, ओ चार दिन वो जगह यूँ समझ लो कि बिल्कुल जैसे पिचक जाती है ना उस तरह का हो गया था। ओ बड़ी ख़तरनाक ये है, इसका नाम मुझे नहीं आता, इसका नाम पता नहीं क्या है, क्या कहते हैं इसको, मक्खी टाइप है ये, लेकिन ये बहुत मोटा है। इतना लड़ जाए ना जिसको बस उसकी ख्याल नहीं है। अभी मैं शफ़कत अमानत का यूट्यूब पर कॉन्सर्ट देख रहा था, और क्या सोलफुल वॉइस है यार उस बंदे की, कमाल, हैट्स ऑफ टू यू यार, इतनी ज़बरदस्त आवाज़ है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ठीक, आज जाने की ज़िद ना करो, ये आप यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखना, बहुत ही मज़े का गाना है। ये आज से कुछ 3 से 4 साल पहले की बात है, जब हम शफ़कत अमानत सर से मिले थे, तो वो टाइम जो है ना बहुत याद आता है। और वाकई जैसे इस कॉन्सर्ट में अगर आप देखें ना, आज जाने की ज़िद ना करो, इस कॉन्सर्ट में इतना डाउन टू अर्थ बंदे हैं ना यार। और ये दिखावा नहीं है कि ये लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं उनसे, तो ये दिखावा कोई नहीं है, ये वाकई में इतने डाउन टू अर्थ बंदे हैं। रियल लाइफ में भी ऐसे हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसे सिर्फ इस कॉन्सर्ट में ही देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओरिजिनल जो उनकी असल लाइफ है ना, उसमें भी ऐसे ही आई है पर्सनल लाइफ में। तो हुआ यूँ, एक जगह थी वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे शफ़कत अमानत साहब आए हुए थे, तो उनसे मैंने पहले तो मुझे यकीन ना हो कि यार ये वही हैं, तो मुझे ना फिर अम्मी ने कहा कि हाँ ये वाकई वही है, और बल्कि उन्होंने ही मुझे उस जगह पे बुलाया था। जगह यूँ थी कि वो आए हुए थे, इधर पास में एक दरबार है, उधर आए हुए थे, वहाँ पे अम्मी गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज शफ़कत अमानत आया हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं पहले तो मुझे यकीन ना हो कि यार शफ़कत अमानत कैसे आ सकता है। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। फिर मैंने कज़न को मैसेज किया, जुनैर भाई को, मैं कहा आ जाओ चलते हैं साथ। हम लोग गए, जब वहाँ जा कर देखा तो वाकई शफ़कत अमानत, मैं कहा
यार क्या बात है, क्योंकि मैं आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ शफकत अमानत, इसमें कोई शक नहीं है। मैं शुरू से ही उनके गाने सुनते हुए ही बड़े हुए हैं, बड़े ही कमाल के सिंगर हैं। तो मैंने जब उनको देखा ना, मैंने सोचा कि यार, पहले तो मैं ना कुछ देर देखता ही रह गया। मैंने कहा यार ये और वो, बहुत ही उनकी जो फैमिली, तकरीबन फैमिली भी आई हुई थी उनकी, 4-5 लोग थे वो भी आए हुए थे। तो मैं जब उनके पास गया, मैं कहा यार सेल्फी लेते हैं इनके साथ। मैंने हिम्मत की, हिम्मत करके मैं गया, मैंने जाके शफकत अमानत सर को कहा कि सर मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ। तो भाई वो इतने हम्बल आदमी है ना, उन्होंने कहा कि आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, आ जाए सेल्फी ले लें। तो उनके साथ सेल्फीज ली, और उस वक्त हमारे जो है ना काम पे टांग रही थी ऐसे मकसद कहने का ये है कि यार एक इंसान को जब आप लाइक करते हो, ठीक है, और वो आपके सामने आए हों तो बड़ी खुशी होती है। और जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं तो मुझे कहते कि बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं, ले लें सेल्फी। उस वक्त जो है ना सेल्फी जो मैंने ली वो तो कुछ बेहतर आई। चाचू को कहा कि चाचू ये ज़रा ना पिक्चर ले दें हमारी, तो उन्होंने तस्वीर उतारी, उन्होंने फोकस ही नहीं किया कैमरा, वो धुंधली की धुंधली तस्वीर ही है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तस्वीरें एक दो आएंगी। ये ऐसे वाकयात भी होते हैं ज़िंदगी में। और वो जो टाइम था ना वो बहुत अच्छा टाइम था। उस वक्त मैं ऐसे 4-5 साल पहले की तो बात है, उस वक्त तो लुक भी चेंज था मेरा। अभी मैं निकला हूँ जीरो वाला बल्ब लेने के लिए, बाहर आया हूँ तो यार खुला सांस आया, बड़ी घुटन हुई थी घर में। ये है जी टोहारी गेट आया हूँ मैं। इस वक्त कैटल पार्क मार्केट ना सारी बंद हो जाती है, इस वजह से जो भी चीज़ लेनी हो ना रात के टाइम इस तरह की, तो लोहारी गेट आना पड़ता है मुझे। ये सामने लोहारी गेट है, असल में हमारा है कमर्शियल एरिया, इस वजह से बंद हो जाता है जल्दी। 8-9 बजे तक ना सारा कैटल पार्क बंद, फोटो बाजार बंद। तैयारियाँ जोरों शोरों पे हैं, बल्ले पकौड़ियाँ, दही बल्ले, ये देखे सवाइयाँ ताज़ी तैयार हो रही हैं। अभी मैं भूलने ही लगा था, मेडिसिन थोड़ी सी लेनी थी वो मैंने ले लिया, बस एक जीरो वाला बल्ब रह गया वो लेना। ये सामने शॉप है, इधर से लेते हैं फूल वाला अजीब अजीब से आया हूँ मैं। घर वालों की मेडिसिन ली है मैंने, तो मैं बल्ब भूलने लगा था। अचानक ही जब मैं इलेक्ट्रिक स्टोर के पास आया हूँ ना, तब मुझे याद आया कि ओए बल्ब भी लेना है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फहीम बास को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।